नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विप्रेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी के कृषि मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान आया है, 100 रुपए किलो से ज्यादा दाल कहीं नहीं, ये कहा जा रहा है। दालों के सवाल पर हंसे हैं सूर्य प्रताप शाही। क्या ये हंसने का समय है? एक तो महंगाई से जनता परेशान है, ऊपर से इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जा रहा है। यूपी के कृषि मंत्री हैं, उनको तो इस सवाल पर और सोच समझकर बोलना चाहिए था। 100 रुपए किलो से ज्यादा दाल कहीं नहीं है, ये सवाल पूछा, ये इस तरीके का जवाब दिया गया। दालों के सवाल पर हंस पड़े, तो इसी पर सवाल उठ रहा है कि क्या एक मंत्री को इस तरह से हंसना और इस तरह का बयान देना शोभा देता है, जबकि यहां पर समाधान महंगाई को लेकर निकलना चाहिए। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं, 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है, सूर्य प्रताप शाही के बयान पर कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। गलत सूचना आप दे रहे हैं, 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। भाजपा वालों, हमें भी और जनता को भी 100 रुपए में दाल दिलवा दो, अरहर की न सही उड़द की दिलवा दो। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री इतने जनता से कट गए हैं, किसानों से कट गए हैं कि उन्हें दाल के रेट ही नहीं पता। भाजपा वालों, क्या मोदी जी 100 रुपए वाली दाल रशिया में खरीदने गए हैं? रशियन दाल खिलाएंगे क्या? ये भी तो जरा बता दीजिए। आप लोगों की स्थिति ये हो गई है कि आज जनता आप पर हंस रही है और जनता अपने दुर्भाग्य पर भी हंस रही है कि पता नहीं किस घड़ी में आपको चुन लिया था। लोकसभा में तो जनता ने अपना कोर्स ऑफ करेक्शन किया है, जल्द ही विधानसभा में भी जनता आपको आपकी जगह दिखाएगी, ताकि आपको दाल के, चावल के, रोटी के सबके रेट पता चल सके और टमाटर के भी रेट पता चल सके। विपक्ष का पलटवार भी हो गया है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद है, दिल्ली से दीपक दुबे जुड़ गए हैं और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जो मंत्री जी ने बयान दिया है गैर जिम्मेदाराना, उससे लग रहा है उनको दालों का भाव नहीं पता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस वक्त जो दाल है उनका भाव क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है। ये देखिए, वो कह रहे थे कि 100 रुपए किलो से ज्यादा दाल का भाव नहीं है, कीमत ही नहीं है। अरहर की दाल 148 रुपए किलो मिल रही है, 148 से 178 तक दाल के भाव जा रहे हैं। उड़द की दाल भी उतनी ही महंगी है, मूंग दाल भी उतनी ही महंगी है, 100 रुपए से ज्यादा है, 125 रुपए किलो मिल रही है। मसूर की दाल 92 रुपए किलो मिल रही है, चना दाल 75 रुपए किलो है। तो या तो दाल के रेट उनको नहीं पता थे, या फिर वो लोगों की परेशानी को समझ नहीं पा रहे कि महंगाई की वजह से जनता कितनी त्रस्त है। मैं मानस श्रीवास्तव का रुख कर लेती हूं। मानस, जो कृषि मंत्री ने बयान दिया है उससे ये लग रहा है या तो दाल खरीदने वो कभी निकले नहीं, या फिर उनको पता है कि दाल के रेट क्या चल रहा है, लोगों की परेशानी वो नहीं समझ पा रहे हैं, और ऊपर से हंसना बयान पर, ये क्या इशारा दे रहा है, क्या संकेत कर रहा है? देखिए, मंगलवार को योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक होती है और उनसे सवाल पूछा गया था कि ये जो दाल की कीमतें हैं इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि कितने रुपए की दाल है, तो उन्होंने कहा कि 100 रुपए से ज़्यादा कहीं कोई दाल नहीं है। तो जो बयान उन्होंने दिया वो 30 सेकंड का, जब पत्रकारों ने उनसे उनको भाव बताना शुरू किए तो करीब आप देखेंगे वो 60 सेकंड तक हंसते ही रहे, यानी 30 सेकंड में अपनी बात कहने के बाद 60 सेकंड तक हंसते रहे। यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर है, दाल कहीं भी 100 रुपए की दाल तो सोचना भी मुश्किल है। कितने रुपए की दाल आपके यहाँ?
150 से ज्यादा ही है, 185 150 से 200 के बीच में ही है, 150 से ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल। और अरहर की दाल और बाकी जो मूंग की दाल या उड़द की दाल है? उड़द की दाल तो मुझे भी लगता है अप्रोक्स 200 से ज्यादा ही होगी, 200 से ज्यादा बिल्कुल। 100 रुपए की दाल बेचते हैं आप? कभी नहीं, मैं परचेज नहीं कर पा रहा हूँ, बेचूंगा क्या? परचेज नहीं कर पा रहे। हाँ तो देखिए, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है इनका यहाँ पे, और ये खुद बता रहे कि 100 रुपए की दाल जब ये खुद नहीं खरीद पाते हैं थोक में, तो रिटेल में कैसे बेचेंगे ये 100 रुपए की दाल? ये बात हकीकत भी है, लग रहा कि क्योंकि आमतौर पर मंत्रियों को तो रेट पता नहीं होता कि दाल की क्या कीमतें हैं, क्योंकि उनको तो कोई कमी है नहीं, तो निश्चित तौर पर जो आम आदमी है उसके लिए जीवन चलाना कितना मुश्किल हो गया है, शायद सूर्य प्रताप शाही जी को अंदाज़ा नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का भी कि सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री हैं, और उनको तो सीधा कनेक्ट उनको होना चाहिए था, कम से कम फसलों के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन ये अफसोस की बात है कि उनको कोई जानकारी नहीं है। ये डिपार्टमेंटल स्टोर के जो मालिक हैं यहाँ पर, वो खुद बता रहे हैं कि जब वो उनको जमाना हो गया 100 रुपए में कोई दाल खरीदे हुए, 200 रुपए की दाल उड़द की है, उससे ज़्यादा की है, कोई भी दाल 100 रुपए की नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो दाल चलती है अरहर की, जो आमतौर पर सभी के घर में इस्तेमाल होती है, उसकी भी कीमत जो हल्की क्वालिटी की कीमत है उसको भी 150 रुपए से ज़्यादा की है, जो अच्छी क्वालिटी की दाल है वो 185 रुपए किलो की है। तो पता नहीं सूर्य प्रताप शाही जी को कौन 100 रुपए में दाल ला के देता होगा, शायद यही वजह थी कि वो हंसते रहे, तो 60 सेकंड तक वो हंसते ही रहे जवाब देने के बाद। मानस, इससे ऐसा लग रहा है कि सरकार गंभीर नहीं है, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लेकिन इस बयान से गंभीरता नजर नहीं आ रही है बिल्कुल भी। जी बिल्कुल। अच्छा मैं एक बार और पूछता हूँ, जब यहाँ पे लोग आपके पास आते हैं, कस्टमर्स भी आते होंगे, मंत्री जी ने बयान देते कि 100 रुपए में दाल मिल रही, 100 रुपए से ज्यादा कहीं महंगी दाल नहीं है, जो लोग आते हैं वो क्या कहते हैं आपसे, कस्टमर्स जो मिडिल क्लास फैमिली के या गरीब लोग? हालांकि अगर सच्चाई ग्राउंड लेवल पे बात किया जाए तो लास्ट ईयर, अगर हम लोग लास्ट ईयर के प्राइस की भी बात करें दाल चावल की, तो जो इस साल कोट किया है किसी भी मिनिस्टर ने, वो पिछले साल से भी टैली नहीं करता है, पिछले साल से भी टैली नहीं करता। तो ये जुमला ही है कि अगर इस साल बता रहे कि 100 रुपए में दाल मिल रही है तो ये बहुत अस्वाभाविक है। आप लोग व्यापार पे भी असर पड़ता होगा जब बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है? नहीं, असर पे नहीं है, बात ये है, लेकिन अपना दुख तो लोग बताते हैं, ठीक है, कि मेरे पास भैया इतनी कम है, 20 रुपए कम है, आप मुझे दाल दे दीजिए, उधार कर दीजिए, तो इससे हमारे ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मानस, देश की जनता, बात सही की, देखिए ये जो स्टोर के मालिक है, जनरल स्टोर के, ये कह रहे हैं कि पिछले साल से भी कंपेयर। ठीक है, मानस, देश की जनता के मुंह से ही हम मंत्री जी को सुनवा रहे हैं, आपने बात की, और दाल का भाव अगर न्यूज 24 देख रहे होंगे, कृषि मंत्री यूपी के, तो उनको पता चल रहा होगा कि मार्केट में इस वक्त दाल का भाव क्या है।